अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम एक स्विच बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से करते हैं, जिसमें कि हमने दो सॉकेट और आप देख सकते हैं तीन हमने स्विच लगा रखे हैं। इस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करवाएंगे और इस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करवाएंगे और ये वाला जो स्विच होगा इससे हम एक बल्ब कंट्रोल करवाएंगे, यानी कि आप इससे बोर्ड की वायरिंग भी करना सीख जाएंगे और एक रूम की वायरिंग किस तरह की जाती है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हमने सबसे पहले किसी भी स्विच बोर्ड में क्या देखना होता है कि हमारे पास स्विच कितने अवेलेबल हैं और सॉकेट कितने अवेलेबल हैं। ये और ये दो हमारे पास सॉकेट हैं और इसके अलावा ये तीन हमारे पास स्विच हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच के जो नीचे के टर्मिनल होंगे उनको हम कॉमन कर देंगे तमाम स्विच के। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक और जम्पर वायर लगा दूंगा और इसको फाइनली हम टाइट करते हुए आगे जाएंगे। अब ये हमारे पास तीसरा स्विच है जो कि लास्ट है। इन दो में कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा जिससे ये तीनों स्विच आपस में कॉमन हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये तीनों स्विच आपस में कॉमन हो गए हैं। अब हमारे पास जो सॉकेट है उसको हम क्या करेंगे, उसका न्यूट्रल हमने कॉमन करना होता है। तो इसके हम कोई से भी दो पॉइंट ले लेंगे। मैं ये ऊपर वाले पॉइंट में न्यूट्रल की वायर लगा देता हूँ। अब जैसा कि हम ये चाहते हैं कि इस स्विच से ये वाला सॉकेट कंट्रोल हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच का दूसरा वाला टर्मिनल होगा वहाँ से हम एक वायर लेंगे। और इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा होगा वो हम सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल में लगा देंगे। एक तो हमने कॉमन कर दिया न्यूट्रल के लिए, जो बचा हुआ होगा उसमें हम लगा देंगे स्विच से। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया इस वाले स्विच के साथ भी हम बिल्कुल जाहिर सी बात है सेम कनेक्शन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पे इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। जो ये वाला स्विच अवेलेबल है इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक लैंप को कंट्रोल करवाएंगे, जैसा अमूमन घरों में कमरे में बल्ब को कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए जो बल्ब में से दो वायर आ रही होंगी उसको हम जो सॉकेट पे हमने न्यूट्रल बनाया है उसके साथ एक वायर टच कर देंगे न्यूट्रल की। जो बल्ब की दूसरी वाली वायर होगी वो हम जो हमारे पास स्विच अवेलेबल है उसके दूसरे वाले टर्मिनल में लगा देंगे, जो टर्मिनल हमारे पास खाली बचा हुआ था। अब बारी आती है इसमें मेन सप्लाई कनेक्ट करने की। ये मेरे पास मेन सप्लाई है, इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये जो हमारे पास न्यूट्रल है ये हम न्यूट्रल में लगा देंगे। और ये जो हमारे पास इनकमिंग फेज है ये हमने जो टर्मिनल हमने कॉमन किए हैं स्विच के, जितने भी स्विच हों यहाँ पे तीन स्विच थे तीनों टर्मिनल कॉमन किए हैं। मैं यहाँ पे या इधर यहाँ पे कहीं पे भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। मैं इसको सीधा करता हूँ, इसकी सप्लाई ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों इसको मैंने सीधा भी कर लिया है, इसकी सप्लाई ऑन भी कर ली है। हम चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल हो रहा है
और आप देख सकते हैं कि इस स्विच से ये वाला सॉकेट कंट्रोल हो रहा है और इस स्विच से ये वाला बल्ब कंट्रोल होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा।